रहमान रहीम, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सीएसएस का स्केलिंग शेल शीट। चलो स्लाइड्स की तरफ पे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास, बहुत काम वाली चीज़ें ये। इस व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस स्टैंड फॉर स्केलिंग स्टाइल शीट। सीएसएस स्टाइल्स डिफाइन हाउ टू डिस्प्ले एचटीएमएल एलिमेंट्स। हमने जो HTML एलिमेंट वहाँ पर पढ़े थे, जो भी हमने पढ़ा था, हम उसको अब स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। लेट सपोज हम उसको कलर कैसे देंगे, हम उसका बैकग्राउंड कैसे कलर देंगे, हम उसमें डिफरेंट फीचर्स डालेंगे। स्टाइल्स वर एडिट टू HTML फोर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये HTML फोर में स्टाइल का टैग हमारे पास ऐड हुआ है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी HTML में कि मतलब बात चीज़ें नहीं हो रही, तो ये इसकी वजह से होता है। शी कैन सेव लॉट ऑफ वर्क। सब एक्सटर्नल स्टाइल शीट, हमारे पास तीन किस्म के स्टाइल शीट होते हैं। एक होते हैं इंटरनल स्टाइल शीट, एक होते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, और एक होता है इनलाइन स्टाइल शीट। फर्स्ट एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम एक अलग डॉट सीएसएस फाइल बना के हम उसका लिंक लेके जो हमारे HTML होती है उसमें हम उसको लगा ले। हमने फॉर एग्जाम्पल 10 पेजेस HTML के बनाए हैं और एक पेज CSS का बना दिया है, वो सब कुछ उसमें वो एक पेज पे सब कुछ काम करेगा। एक्सटर्नल स्टाइल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास बहुत से वर्क को सेव करते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट होता है। इंटरनल स्टाइल शीट में हम हमारे पास ऐसे होता है कि हम मतलब जो टाइटल टैग हमने दिया था उसके बाद हम एक हेडिंग दे रहे, टैग दे रहे स्टाइल का, और उसके अंदर वही सब कुछ कर ले जो हम चाहते हैं। ये हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट। और एक इनलाइन स्टाइल शीट होता है। इनलाइन स्टाइल शीट कैसे होता है कि जो हमने टैग इस्तेमाल किए, फॉर एग्जांपल हमने हेडिंग वर्ड के लिए H1 यूज़ किए है, उसी H1 के अंदर हम स्टाइल के मतलब सब कुछ दे देना जो जो हमने स्टाइल शीट में करवाने CSS का जो काम है। ये हमारे पास तीन किस्म के स्टाइल शीट हो गए है। इसको हम आगे आप मतलब आपको साथ प्रैक्टिकली करूंगा तो आप लोग खुद समझ जाओगे। मैं आपको तीनों दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। इसके बाद हमारे पास आता है कि CSS कैन कंट्रोल मैनी एलिमेंट्स ऑफ आवर वेब पेजेस लाइक कलर, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड, स्पेसिंग, मार्जिन एंड मच मोर। ये सब कुछ हमारे पास करता है CSS, जो हमने फॉन्ट्स वगैरह अलाइनमेंट है सब कुछ ये करता है। एन HTML फाइल लिंक्स टू CSS फाइल एंड वेन ब्राउजर टू टेल अ पेज टू रिफ्रेश द CSS फाइल्स टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स। ये हमारे पास ये सब कुछ डिस्प्ले में इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसमें CSS ने बहुत से प्रॉब्लम को हमारे पास सॉल्व कर लिया। इसका डिफरेंट फीचर्स देना सब कुछ हमारे पास इसमें हो सकता है। ये भी आप देख लिए। इसमें क्या होता है, इसमें हम CSS में ना मतलब हम सेंटेंस कैसे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने H1 है, H1 के हमने चीज़ें चेंज करनी है। फर्स्ट हम H1 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी बॉडी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बॉडी में क्या होता है ये देख ले, ये हमारे पास इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमने चाहे प्रॉपर्टी और उसके वैल्यू एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, ये एट्रीब्यूट्स हम इस मतलब डिफरेंट इसमें करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद डिफरेंट से वर्क ये है, देख लिए ये हेड हो गया, हेड के अंदर ये स्टाइल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल CSS है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये सब कुछ डिस्प्ले कर। अब देख ले प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, देख ले अब हमारे पास ये हमने बना दी CSS1 हमने दे दी। इसके बाद हमने लिख दी HTML, ठीक है। ये हमारे पास HTML में बन गए। हम उसको सबलाइन में खोल लेंगे, ये देख ले अब HT कंट्रोल स्पेस, हमने कंट्रोल स्पेस कर दिया। इसमें लेके फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास ये देख ले। अब हेड बना जो आके मैं कह दूंगा कि H1 हमारे पास एक है, ठीक है। इसमें दे दूंगा कि CSS फर्स्ट क्लास, ये हमने दे दी, ठीक है। ये भी हमने सेव कर लिया, ठीक है। ये तो हमारे पास जैसे नॉर्मली ओपन होता है ये सेव ओपन होगा, जैसे देख ले फर्स्ट हेडिंग हमने दे दी ये, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया है। अब इसके बाद इसमें हमने अब हम फर्स्ट ट्राई करते हैं इंटरनल CSS, ठीक है। अब इसमें हमने स्टाइल का टैग दे दिया। स्टाइल का टैग ये ज़रूरी नहीं है, ये अगर हम साफ भी कर ले तो मतलब ये काम करेगा, ठीक होता है ये, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने कह दिया ये इंटरनल CSS, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल CSS है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने देखिए ये हमने पढ़ा भी है इधर पर,
ये देख ले, ये हमारे पास अब इसमें बन गया है, ये मैं आपको फुल करके दिखाता हूँ। ये H1 हमारे पास सेलेक्टर हो गया। अब देख ले H1 को हम यहाँ पर लिखते हैं, H1 हमने दे दी, ठीक है। इसके बाद हम कह देंगे कि ये हमारे पास, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या देंगे, इसमें हम अगर चाहते हैं कि हम इसका फॉर एग्जांपल कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। कलर हमने कह दिया रेड, कंट्रोल सेव कर लिया हमने, ये देख लिया। अब इसका कलर वगैरह देख सकते हैं आप, इसका कलर देख ले, ये अब CSS के थ्रू हो गया है, ठीक है। वो पहले हमने जो किया था वो अलग था, ये अब CSS के थ्रू हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें देख सकते हैं, इसको कह देंगे कि इसका फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज हम कह देंगे कि 50 pixels, ठीक है। लेट सपोज हमने 50 pixel कर दी, इसको आके यहाँ पर 5 कर लेंगे, ये देख ले इसका साइज बढ़ गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें कर लेंगे कि लेट सपोज हम इसमें कर लेंगे कि फॉन्ट फैमिली कर देंगे। हमने पहले जो कहा था वो था हमारे पास फेस था, अब यहाँ पर इसे ना फॉन्ट फैमिली कहते हैं। फॉन्ट फैमिली में हम कह देंगे लेट सपोज, ये मेरे जो याद है वरदाना नेम से हमें याद है, जो भी आप मतलब एंटर कर ले ये काम करेगा ही। ये देख ली, अब इसका वो चेंज हो गया है, मतलब जो हमने पढ़ा था ये था, इसका भी ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास चेंज हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे, ये हमने कर लिया, ठीक है। हम अब इसमें जो भी हम चाहे हम वही इम्प्लीमेंट इसमें कर सकते हैं। ये हमारे पास इंटरनल CSS था। अब देखते हैं, मैं आपको ये अब मैं यहाँ से हटाता हूँ, अब मैं आपको एक्सटर्नल CSS दिखाता हूँ, एक्सटर्नल नहीं इनलाइन दिखाता हूँ, एक्सटर्नल पर बाद में आखिर में दिखा दूँगा। इनलाइन अब करते हैं, ठीक है। इनलाइन के लिए हम इनलाइन में हम क्या करेंगे, इनलाइन में हम यहाँ पर जो हेडिंग है ना, इसमें आके हम जो हमने टैग यूज़ किए ना हेडिंग के लिए, इसमें आके हम स्टाइल लिख देंगे, ठीक है। स्टाइल हमने लिख दी। फर्स्ट हम मैं काम करता हूँ, फर्स्ट मैं इनको सेव करता हूँ कि वो जो पहले हमारे जो फीचर्स अप्लाई हुए थे वो ख़त्म हो जाए इससे। ये देख लो, अब ये फिर से वो पुराना हो गया है, ठीक है ना, ये अब फिर से वो पुराना हो गया है। अब यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास है स्टाइल हो गया। स्टाइल में मैंने कर दिया कि कलर, कलर मैंने कर दिया ब्लू मैंने कर दिया, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया, कंट्रोल सेव कर दिया, कंट्रोल सेव के बाद मैंने F5 करी, ये देखें अब इसका कलर ब्लू हो गया। ये इस डेट्स कॉल इनलाइन CSS, ठीक है ना। ये हमारे पास इनलाइन CSS है, इसमें हम जो भी फीचर्स हम ऐड करना चाहते हैं हम ऐड कर सकते हैं। इसमें कह देंगे कि फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली हम इसका कर लेंगे, ये इसका भी यही कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें कर देंगे टेक्स्ट अलाइन, टेस्ट लाइन हम कर देंगे, टेस्ट लाइन को हम कर देंगे सेंटर, सेंटर में हमने कर दिया, ठीक है। कंट्रोल सेव हमने कर दिया, इसको अब जाके देख लिए 5, ये सेंटर में हो गया, ठीक है ना। इसका हम साइज़ भी मतलब हाई ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ हम कर देंगे, फॉन्ट साइज़ हमने कर दी 100 pixels, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर देख लिया तो समझ आ जाएगी। सेव कर लिया हमने, इसको आके हम ब्राउज़र पर खोल ले, ये देख ले अब इसका साइज़ देख ले। ये हमारे पास इनलाइन CSS में आता है, जैसे हम इनलाइन CSS कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, अब इसके बाद हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ये भी हम साफ़ कर लें, क्यों, क्योंकि हमने एक्सटर्नल अप करना है। ये मैंने ख़त्म कर दी, ये मैं सेव कर लूँगा दोबारा से, इसको मैं ब्राउज़र पे खोल लूँगा, ये दोबारा से वही हो गया। अब आपको मैं बताया था कि एक्सटर्नल के लिए हम एक अलग सा फाइल बनाएंगे, इसमें यहाँ के फोल्डर में मैं बना दूँगा, न्यू कर देंगे, टेक्स्ट फाइल में बना दूँगा स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। ये हमारे पास अब CSS में से हो गया। ऐसे भी हम सबलाइम विद टेक्स्ट खोल लेंगे, ठीक है ना। अब देख ले, अब इसको हमने यहाँ पर लिंक भी करना है, ऐसे तो नहीं होगा ना, हम इसको लिंक करेंगे तो ये काम करें। अब इसमें फर्स्ट हमने क्या करना है, हमने इस फाइल को वहाँ पर लिंक करना है। लिंक कैसे करना है, लिंक हमने ऐसे करना है, टाइटल के बाद हम यहाँ पर कर देंगे कि लिंक, लिंक का टैग हमने दे दिया लिंक, और कंट्रोल स्पेस हमने कर लिंक हो गया। अब मैं क्या कर लूँगा, वो जूस लोकेशन पर भी हो, ज़रूरी नहीं कि इसी फोल्डर में हो, लेकिन इसी फोल्डर में तो अच्छा रहेगा। तो उसका ना जो एड्रेस है वो हम यहाँ पर कर देंगे, इसको हम कह देंगे स्टाइल डॉट CSS। हमने क्योंकि ये ना ये देख ले सकते हैं आपने, हम स्टाइल CSS के साथ सेव किया, इसको कंट्रोल सेव कर लिया, ठीक है हमने। अब यहाँ पर आके मैं कह दूंगा कि H1,
पर आके मैं कह दूंगा कि जो हमने किया ना इसका हम कलर करना चाहते हैं, इसका हम कलर वाइट करना चाहते हैं, ठीक है। वो तो हमने पहले मतलब वो जैसे कंट्रोल सेव मैंने कर लिया, ये भी कंट्रोल सेव मैंने कर लिया, इसको हम ब्राउज़र पर रन कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या इशू आ रहा है, तो ऐसे कोई इशू नहीं था, अच्छा इसमें तो ऐसे कोई इशू नहीं है, लेकिन असल में ये ओ अच्छा, क्योंकि ये बैकग्राउंड भी हमारे पास वाइट है और हमने लिखा ही भी वाइट कर लिया, इसलिए हमारी मिस्टेक है। इसको हम कह देंगे ग्रीन, कंट्रोल सेव कर लिया मैंने। अब यहाँ से आके मैं इसके ब्राउज़र पर रन कर लूँगा, अब देख ले इसका कलर हमारे पास ग्रीन हो गया है। ये एक्सटर्नल सी एस एस है, ठीक है। हम इसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके हमको टेक्स्ट लाइन भी कर सकते हैं। टेक्स्ट लाइन हमने कर दी सेंटर, ठीक है। सेंटर के बाद हमने कर दिया फॉन्ट साइज़ हम कर देंगे, फॉन्ट साइज़ को हम कर देंगे 100 पिक्सल्स, ठीक। हमने ये भी कर दिया, इसके बाद हम इसके फॉन्ट फैमिली को चेंज कर देंगे, फॉन्ट फैमिली को हम कर देंगे, ये हमने कर दिया, ठीक है। इसमें हम जो भी करना चाहते हैं हम इसे कर सकते हैं। कंट्रोल सेव मैंने कर लिया, यहाँ से आके मैं इसको रन कर दूंगा, ठीक है। इसका सब कुछ चेंज हो गया है। इसके अलावा हम इसमें ना हम इसमें जिस जो भी हम मतलब हम यहाँ पर जो भी हम इंटीग्रेट कर ले जिसका हम मतलब रेफरेंस दे वो ही काम करेगा हमारे पास। इसके बाद हम इसमें जो भी इंटर कर ले हमारे पास जो भी हम फीचर, अब लेट सपोज हम आके यहाँ पर कहते हैं कि हमने बॉडी में कुछ ऐड करना है, ठीक है। हम बॉडी में इसके ऐड कर देंगे बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया ब्लैक, ठीक है। अब देख ले इसको, कंट्रोल सेव हमने कर लिया, इसके बाद हम यहाँ से भी इसको ओपन कर देंगे। अब देख ले इसका बैकग्राउंड कलर, ये हमारे पास हम जो भी हम इसमें फीचर ऐड करना चाहते हैं ये हमारे पास हो सकता है। तो ये हमने आज जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़े हैं, इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ज़्यादातर हमारे जो यूज़ होती है वो एक्सटर्नल सीएसएस की होती है, क्योंकि ना एक्सटर्नल सीएसएस में ये फ़ायदा है कि हम एक फाइल बना देंगे और बाकी जितने भी हो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, बस सिर्फ यहाँ पर उस आके उसका लिंक दे दें, हम इसका मतलब रेफरेंस देंगे कि ये H1 है या ये जो भी है बॉडी के लिए हमने यूज़ किया, हमने H1 के लिए हम जितना भी हम दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इसमें आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।